हरे कृष्ण। भागवतम में वर्णित कई शुद्ध भक्तों में से एक महारानी कुंती द्वारा की गई प्रार्थनाएं भागवतम की पहली विस्तारित प्रार्थनाएं हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता व मधुरता की अत्यंत सुंदर झलक देखने को मिलती है। हजारों वर्षों से ऋषियों तथा दार्शनिकों द्वारा इनका श्रवण, वाचन एवं गायन होता आया है। दार्शनिक, धार्मिक एवं साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना मानी जाने वाली इन प्रार्थनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान रूप विलास प्रभु जी। हमारे वक्ता श्रीमान रूप विलास प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय के नरसी मौनजी कॉलेज से कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, जिसके उपरांत वे अपने पिता का व्यवसाय संभाल रहे हैं। सन 1997 में इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद 2002 में प्रभु जी आधिकारिक रूप से दीक्षित हुए। सन 2007 में भक्ति शास्त्री की डिग्री प्राप्त करने के बाद 2010 से वे इस्कॉन जुहू में भक्ति शास्त्री के अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वह इसके साथ साथ वे भगवद गीता पर सेमिनार तथा गृहस्थ भक्तों के आध्यात्मिक जीवन में विकास हेतु उन्हें परामर्श भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं कुंती महारानी के शब्द ज्ञान से सने दैवी प्रेम को दर्शाती इन प्रार्थनाओं को श्रीमान रूप विलास प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम छठे श्लोक कुंती स्तुति का चर्चा करेंगे। गए सत्र में हमने एक शब्द लिया था विषाद। आज जो हम शब्द लेंगे इस श्लोक का है महाअग्ने पुरुषा द दर्शना। जैसे कि पहले के श्लोक में कुंती माता बताती है कि किस तरह उनके जीवन में हर क्षण दुखों की झड़ी आ रही थी और उन दुखों में से सिर्फ भगवान ने ही उनकी रक्षा की, और उसको याद कर रही है इस समय माता। और माता ये कृतज्ञता व्यक्त कर रही है भगवान से कि आप ही थे जो मेरी रक्षा की थी। और यही भाव होता है शुद्ध भक्तों का कि वो हर समय भगवान को श्रेय देते हैं कि किस तरह भगवान आपने मेरी रक्षा की। तो कुंती माता बताती है कि किस तरह पांडवों को लाक्षाग्रह से रक्षा की। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने उनको मारने के लिए एक महल बनाया जिसको बोलता है लाक्षाग्रह, लाख से बनाया हुआ बहुत अद्भुत महल, और कहा कि आप सब इस महल में चले जाओ। विदुर जी को पहले से ही पता था कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और विदुर जी ने उनके लिए उस महल में पहले से एक सुरंग तैयार कर दी थी। उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल इन लोग इस महल को आग लगा के इनको भस्म कर देना चाहते हैं। तो विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज को जाते जाते मलेच्छ भाषा में कहा कि अगर जंगल में आग लगती है तो सिर्फ जो चूहे रहते हैं वही बचते हैं, क्योंकि उनका बिल आग के से अलग बाजू जाता है, तो वही चूहे बच जाते हैं जो बिल में रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने
उनको समझा दिया था कि ये जो भवन है ये कभी ना कभी जलाया जाएगा और आप सभी को सुरंग के माध्यम से निकल जाना। एक रात्रि को वहां पे भिलनी आई थी इस लाक्षाग्रह में और वहां पे उन लोग निवास किए थे और उस रात्रि को आग लगा दी गई थी और भिलनी के 5 बच्चे भी थे। तो उस समय जब आग लगा दी गई थी तो जो सुरंग थी उसके माध्यम से ये पूरा का पूरा पांडव परिवार बच के निकल गया। कहते हैं कि भीम ने सभी 5ों को अपने शरीर पे लेके सुरंग के माध्यम से जंगल में चले गए और जो वहां भीलनी थी और उनके पुत्र थे वो राख हो गए। सुबह के समय जब पूरा महल खाक हो गया तो ये 5 शव और एक माता का शव मिला तो उन्होंने यही सोचा कि पांडव और कुंती माता आग में जल गए हैं। यहां पे वास्तव में कुंती माता और पांडवों को शांति चाहिए। उन्हें कभी भी राज्य का लोभ नहीं था मगर पहले दिन से ही ये कौरव लोग इन्हें मारने के पीछे पड़े थे तो ये चाहते थे कि सब छोड़ के उनको दे देवे और हम शांति से वन में रहे। तो 12 वर्ष तक कहते हैं कि पांडवों ने ब्राह्मण के रूप में माता के साथ में वन में निभाया और वन से उन्हें आने का तभी हुआ जब व्यासदेव ने उन्हें कहा कि भाई द्रौपदी का भी स्वयंवर हो रहा है और अर्जुन को वहां जाना पड़ेगा। तो द्रौपदी के स्वयंवर के कारण उन्हें वन से वापस आना पड़ा, नहीं थे वो उनको राज्य का कभी भी लोभ नहीं था। और वन में उन्हें एक ब्राह्मण के घर में निवास करते थे। उस गांव में जब वो निवास कर रहे थे तो वहां पे एक राक्षस को हर महीने बलि देना था। तो उस महीने इस घर के जहां पांडव रुके थे उनकी पुत्र का बलि का समय आया था और रात भर वो ब्राह्मणी रो रही थी कि मेरे पुत्र को सुबह देना पड़ेगा। तो ब्राह्मण बोले, माता बोल रही थी मैं चले जाऊंगी बलि के लिए मगर मैं पुत्र को नहीं भेजूंगी। और ये पूरे रात्र विलाप चल रहा था तो कुंती माता ने पूछा ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने समझाया कि सुबह और एक मानव भक्षी राक्षस है उसको पूरे गांव में से एक घर में से एक महीने में एक बार एक भक्षी एक नर को वहां भेजना पड़ता है तब जाके वो शांत रहता है। कुंती माता परिस्थिति को समझ गई और उसने तुरंत भीम को कहा भीम आप जाओ और उस राक्षस का वध कर दो। तो सुबह में कुंती माता ने उनको कहा कि मैं मेरा पुत्र को भेजूंगी पर आप चिंता मत करो कुछ होगा नहीं। भीम ने कहा हाँ मैं चले जाऊंगा वो कितना भी भोजन देना है वो सब मुझे दे दो। तो पूरे गांव ने बैलगाड़ी में भर भर के भोजन भरा। भीम ने कहा और भर दो। फिर भोजन लेके भीम स्वयं गया उस राक्षस के पास और रास्ते में भोजन जितना भी उनका भोजन था वो स्वयं भीम खा गया। जब वो राक्षस देखा कि मेरा भोजन ये नर आदमी खा रहा है बहुत विचलित हो गया और कहा कि तुझे अपने प्राण की भय नहीं है और तूने मेरा भी भोजन खा लिया अभी तुझे मैं छोड़ूंगा। उसी समय मल्ल युद्ध हुआ भीम का और इसी को यहां पे कहा गया है पुरुषा अदर्शना के भीम ने उस राक्षस को मार गिराया और रक्षा कर दी और फिर वापस आ गया। लेकिन गांव में हल्ला बोल हो गया अरे ऐसे कैसे है कौन थे ये कि जिन्होंने उस राक्षस को मार दिया। और फिर तुरंत पांडव और कुंती माता उस घर को छोड़ के निकल गए। फिर कथा आती है कि द्रौपदी माता का स्वयंवर आया और स्वयंवर में व्यास देव जी आए और कहा कि आपको द्रुपद राज में जाके वहां पे स्वयंवर में भाग लेना पड़ेगा। और कथा आती है कि लाक्षाग्रह का जब हुआ था तब पूरे परिवार ने पांडवों की अंत क्रिया अंतिम संस्कार सब कर दिया
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान स्वयं द्वारका से आए थे उस अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए। भगवान की भी बहुत विचित्र लीला है, सब जानते हुए भी उस अंत्येष्टि लीला में भगवान ने भाग लिया। तो अभी व्यासदेव के कहने पे वो द्रौपदी के स्वयंवर में आ गए। द्रौपदी के स्वयंवर में सिर्फ ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को आमंत्रित किया गया था कि जो क्षत्रिय है वो और इस परीक्षा में उनको उत्तीर्ण होना था, जहाँ पे पानी में देख के मछली पे उनको तीर चलाना था, मछली की आँख को भेदना था। तो वहां पे एक शिव धनुष रखा गया था। कहते हैं कि बहुत सारे क्षत्रिय तो धनुष तक नहीं उठा पाए थे। जब कर्ण आया उस धनुष को उठाने के लिए तो द्रौपदी माता खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि इसका मुझे कोई कुल का पता नहीं है, किस कुल का है, तो मैं इससे तो विवाह नहीं करूंगी। तब जाके क्रोध में कर्ण चला गया, कोई भी उसका छेदन नहीं कर पा रहा था। तब अर्जुन ब्राह्मण के रूप में आए और जैसे आए तो भगवान कृष्ण भी उस सभा में था। और भगवान की लीला देखो, भगवान बोलते हैं ये शायद अर्जुन जैसा दिख रहा है, और बलराम जी बोल रहे कि शायद वो जो हट्टा कट्टा वो भीम जैसा दिख रहा है। अरे लेकिन इन लोग तो अब इनकी तो अंतिम क्रिया तो हम कर दिए है, कैसी लीला भगवान कर रहे हैं। भगवान सर्वज्ञाता है, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, मगर लीला के माध्यम से वो कभी कभी हास्य लीला और कभी अनजान लीला करते हैं। अर्जुन तुरंत ही वो धनुष उठा लिया, धनुष उठा के जल में वो मछली को देखा और वो घूमती हुई मछली को तुरंत उन्होंने भेदन कर दिया। वहां देख के क्षत्रिय समाज में हाहाकार हो गया कि ये क्या हो गया, इस ब्राह्मण ने कैसे छेदन कर दिया और द्रौपदी का ब्राह्मण के साथ कैसे विवाह होगा, ये संभव नहीं है। फिर उनका पता आया, तब जाके मालूम पड़ा ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो पांडु के पुत्र है, और पूरे समाज में हल्ला बोल हो गया। और तब दुर्योधन आए, अरे पांडु आप कैसे हो, और उनके आलिंगन करने लग गया, गले लगाने लग गया। भगवान कृष्ण भी आए और आलिंगन किए और फिर द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह हुआ। और द्रुपद राजा बहुत शक्तिशाली राजा थे, इसलिए फिर धृतराष्ट्र ने आधा राज्य पांडवों को दे दिया। और उस पांडवों को जो राज्य दिया आधा, वो कहते थे इंद्रप्रस्थ, वहां पे इंद्रप्रस्थ बनाया था। और इतना अच्छा सुशासन किया पांडवों ने कि यहाँ पे जो कौरव थे वो जलने लग गए, और वो चाहते थे कि कैसे भी करके इनको नष्ट करें छल कपट से। तो उन्होंने दूत क्रिया रखी और शकुनी के कहने पे, धृतराष्ट्र राजा को कहने पे उन्होंने दूत क्रिया के लिए आमंत्रित किया। और आमंत्रित करने के बाद यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि अगर भक्त को कभी दूत क्रिया में लगता है तो भगवान उसकी रक्षा नहीं करते। भगवान एक पिता की तरह है और पिता जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर पुत्र पिता के पास में लक्ष्मी लेके आता है और कहता है कि मुझे सिगरेट चाहिए, तो पिता लक्ष्मी भी ले लेता है और सिगरेट के बदले उसे झापड़ भी दे देता है। वो पुत्र अगर दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार वो लक्ष्मी लेके उसे पैसे लेके वो सिगरेट दे देगा, क्योंकि वो व्यापार करने बैठा है, मगर पिता व्यापार करने नहीं बैठे। तो उसी तरह भगवान चाहते थे तो रक्षा कर सकते थे द्रुत क्रिया में, लेकिन भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अधर्म के लिए भक्तों की वो कभी भी रक्षा नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर हम धर्म के मार्ग में चलेंगे तो अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज द्रुत क्रिया के लिए बैठे, उनकी मति खराब हो गई। और शकुनी पहले पहले तो उनको छोटे छोटे दाव जिता दिए उत्साह करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे बड़े दाव आए तो
तो वो हारने लग गए और इस हारने में वो राज्य हार गए। राज्य हारने के बाद में वो अपने अस्त्र शस्त्र हार गए, अपने भाइयों को हार गए, सब हार के बैठ गए। तब दुर्योधन ने कहा कि अभी तो आप कुछ भी हारे नहीं हैं, अभी तो आपके पास एक सबसे बड़ी वस्तु है, द्रौपदी। अगर आप द्रौपदी को दाव पे रखते हो तो आप जितना भी हारे हो वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। और ये कहते लोभ, ये जुआ एक ऐसी वस्तु है कि आपको लोभ रहता है कि आज अपने पास आ जाएगा, आज दाव लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये कभी भी होता नहीं है। और इसी लोभ के वश उन्होंने द्रौपदी को भी रख दिया और हार गए। और हारने के बाद में वो मासिक अवस्था में थी माता, द्रौपदी माता उन्हें खींच के दुशासन लेके आया और खींच के द्रौपदी को नग्न करना चाहे, और उस सभा में हजारों लोग बैठे थे और इसीलिए उस सभा को यहां पे कुंती माता असत सभा कहती है। जिस सभा में स्त्रियों को नग्न देखने की इच्छा होती है वो असत सभा, वो कोई सत सभा नहीं। और यहां पे एक भागवत में श्लोक आता है कि उस असत सभा में वो वस्त्र हरण और वो जैसे जिसने जिसने भी द्रौपदी के केश को खींचते हुए देखा उसी समय उनकी आयु खत्म हो गई। तो हम जब कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारी आयु उसी समय नष्ट हो जाती है। तो उस असत सभा में द्रौपदी ने भी अपनी रक्षा करने के प्रयास किए, अपनी लाज बताने के लिए अपने हाथों से प्रयास किया, मगर देखा कि दुशासन जिसके पास हजारों हाथी का बल है कुछ नहीं कर पा रहा है। वो अपने पति को चिल्ला रही है कि बचाओ, लेकिन पति भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब उसने देखा कि मुझे अभी कोई नहीं बचा सकता है, तो उन्होंने दोनों हाथ छोड़ दिए और हाथ ऊपर कर लिए और भगवान को पुकारने लग गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे यह है कि माता ने जब दोनों हाथ ऊपर कर ले उसी समय भगवान ने फैक्ट्री खोल दी। कौन सी फैक्ट्री खोल दी? कपड़े की फैक्ट्री। कौन से कपड़े की फैक्ट्री? के वो कपड़ा कभी भी खत्म नहीं होवे। और कहते हैं कि नारी है कि सारी है वो ही नहीं पता पड़ रहा था। तो भगवान ने उस समय में द्रौपदी की रक्षा की। और कहते हैं कि एक बार भगवान के कुछ उंगली कट गई थी और उस समय भगवान द्रौपदी माता ने अपने साड़ी से भगवान की उस उंगली को बांध दिया था। तो उस वस्त्र में जितने थे उतने उस वस्त्र का फैक्ट्री बना दी भगवान ने। तो कहते हैं कि भगवान अनन्य भक्तों को, जो निस्सहाय भक्त होते हैं, उसकी पहले रक्षा करते हैं भगवान। यहां पे महाअग्नि एक कथा बताना चाहता हूं, हकीकत कथा है कि हमारे इस्कॉन जू में हर साल मकर संक्रांति के दिन 100,000 लोगों के लिए खिचड़ी प्लेट हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। कुछ वर्षों पहले कुछ ऐसी भयंकर घटना हुई थी किचन में, क्योंकि दो दिन से पूरे रात किचन चलता है। तो अचानक क्या हो गया कि वो जो गैस का पाइप था, सिलेंडर का गैस का पाइप, वो आग लग गई। और ऐसी आग लग गई कि वो सिलेंडर में जाके बैठ गए। आजू बाजू दूसरे भी हजार कम से कम बहुत सिलेंडर थे और ऊपर महानगर की जो गैस की पाइपलाइन है वो भी थी ऊपर। और जैसे ही ये जो सिलेंडर में आग लग गई उसमें से चिंगारी पहले माले तक जा रही थी वो चिंगारी, और वो चिंगारी इतनी ऊपर तक गई वो चिंगारी कि ऐसा लग रहा था कि अभी वो सिलेंडर फट के टुकड़े हो जाएंगे और कम से कम बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाए। मगर भगवान की ऐसी कृपा, उस टाइम सब भक्त नरसिंह प्रणाम कर रहे थे
और कुछ लोग तो वहां से चले भी गए थे, और मैंने अपने आंखों से देखा वो प्रसंग कि कैसे वो जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, मगर वो बाटला फटा नहीं, गैस का बाटला फटा नहीं, और कैसे भगवान ने उसमें से रक्षा की कुछ पता नहीं, मगर अगर वो बाटला फटता और ऊपर की लाइन फटती तो पूरा का पूरा हरे कृष्णा लैंड में बहुत तहस नहस हो जाता था। तो यहाँ पे भगवान कब रक्षा कर लेते, कौन से समय में, ये कभी भी कुछ पता नहीं पड़ता। और जब उनको वन में भेजा गया द्रौपदी और इन लोगों को, वहां भी दुर्योधन ने पीछा नहीं छोड़ा, एक बार दुर्वासा मुनि को भेज दिया गया। तो यहाँ पे जो कहा गया है वनवास कृश्चित, इतने इतने कष्ट सहे के एक अक्षय पात्र दिया गया था भगवान के द्वारा। उस अक्षय पात्र में यह था कि जब तक द्रौपदी उस अक्षय पात्र से खाना नहीं खा लेती तब तक कितने भी उसमें से अन्न खाना है अन्न आ सकता है, मगर एक बार द्रौपदी खा ले तो दूसरे प्रहर तक उसमें से अन्न नहीं निकलेगा। और ये बात दुर्योधन जानता था, उसने दुर्वासा ऋषि को वहां पे भेजा जंगल में अपने 10,000 शिष्यों के साथ में, ये कह के कि आपका बहुत आदर सत्कार होगा और आप दोपहर के बाद जाना, आपका आदर सत्कार होगा। जैसे ही ये 10,000 ऋषि ये पांडवों के पास आए, युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़ के स्वीकार किया, आइए आइए आपका स्वागत है हमारे यहाँ पे, और द्रौपदी को कहा कि इन सभी के लिए भोजन तैयार करो। द्रौपदी ने अन्न खा लिया था, बिचारी अभी धर्म संकट में पड़ गई कि क्या करे कैसे, क्योंकि अगर इनके आदर नहीं हुआ तो ये श्राप दे देंगे और बहुत कठिन परिस्थिति हो जाएगी। उन्होंने तुरंत भगवान को याद किए, हे श्याम सुंदर, हे गिरधारी, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान प्रकट हुए वहां पे और द्रौपदी से कहा कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे खाना था। द्रौपदी माता बोले क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं अभी अन्न खा ली हूं, ये अक्षय पात्र में से नहीं आए और यहाँ पे दुर्वासा जी 10,000 ऋषि को लेके आए हैं, क्या करूं मैं। भगवान कहे वहां पे एक दाना पड़ा हुआ है, अक्षय पात्र में एक दाना पड़ा हुआ, वो दाना लाके दे दो मुझे। द्रौपदी माता उस अक्षय पात्र में से एक दाना लेके भगवान को खिलाती है। जैसे ही भगवान वो एक दाना खा लेते हैं तुरंत ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामी प्रयत आत्मन। तुरंत ही जैसे ही भगवान संतुष्ट हो गए, वहां पे 10,000 जो ऋषि आए थे दुर्वासा, उनकी भी भूख मिट गई और उनको उद्गार आने लग गए, उनको ऐसे पेट भर गया उनका कि वो सोचने लग गए कि अगर हम अभी जाएंगे और हम कुछ खाएंगे नहीं तो कैसा चलेगा। तो तुरंत ही वो दुर्वासा ऋषि और सब बोले कि नहीं 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 हम चले जाते हैं, और तुरंत ही स्नान करते वो चले गए। तो ये थी, ये सब वस्तुओं को माता याद कर रही है। और एक बात जो यहाँ पे अग्नि की आती है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ये विषय वासना भी एक अग्नि है, और इस अग्नि को भगवान बताते हैं कि जैसे ईंधन अगर हम डालते हैं अग्नि में तो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी तरह हम हमारी इंद्रियों को जितना भी हम भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट करेंगे तो वो जो इच्छा है और बढ़ जाती है, और ये इच्छा एक विकराल अग्नि का स्वरूप ले लेती है, और ये अग्नि तब तक शांत नहीं होती जब तक ये उस पर वर्षा नहीं होती। तो हमारी विषय की जो वासना है वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक उस पर हरिनाम की वर्षा नहीं होगी। तो हमारी ये जो विषय वासना को स्नान शांत करने के लिए हमें हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा, हमें भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे मन की अग्नि शांत होगी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की।